मनोनीत मंत्री श्री नीतीश मिश्रा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मनोनीत मंत्री श्री नितिन नवीन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पश्चात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री महेश्वर हजारी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। महेश्वर हजारी
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश्वर हजारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्रीमती शीला कुमारी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के मनोनीत मंत्री श्री सुनील कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के कृपा करें। कुमार ईश्वर की शपथ
लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के प्रति संविधान और विधि के अनुसार दिलीप कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मनोनीत मंत्री श्री जनक राम से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मनोनीत मंत्री श्री हरि सहनी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। हम हरि सहनी
ईश्वरक शपथ ली थी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सांत श्रद्धा हो निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता व अखंडता अतुल्य राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करब तथा सब भय किनवा पक्षपात अनुराग किनवा द्वेष बिना सब प्रकारक लोकसभा प्रति संविधान को विधिक अनुसार न्याय करब। हम हरि सहनी ईश्वरक शपथ ली थी जिसे बिहार राज्यक रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात हो ओकर कोनो व्यक्ति किंवा व्यक्ति सभक सही ज्ञात अतिरिक्त जखन एहन मंत्रीक रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित हो हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित किंवा प्रकट नहीं करब। मनोनीत मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णनंदन पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत या प्रकट नहीं करूंगा।
मनोनीत मंत्री श्री जयंत राज से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मनोनीत मंत्री श्री मोहम्मद जमा खान से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मनोनीत मंत्री श्री रत्नेश सादा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें।
रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपने सदस्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो जिसे बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगत नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं केदार प्रसाद गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रत्यक्ष नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें।
यथा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र मेहता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सर के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या पृथक नहीं करूँगा। मनोनीत मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पश्चाताप अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब विश्वास रखी ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए।
अल्पाहार की व्यवस्था राजभवन के मुख्य भवन के पीछे मैदान में की गई है। आप सभी महानुभाव सादर आमंत्रित हैं।